हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीतम पैरे और आप देख रहे हैं पैरे विद पीसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है रजिस्ट्रेशन फॉर पीपीपी कैंप डाटा एंट्री, यानी परिवार पहचान पत्र की ऑपरेटर आईडी लेने में कितना समय लगता है और इसके कितने पैसे लगते हैं लेने के। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स, परिवार पहचान पत्र की ऑपरेटर आईडी लेने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। फ्रेंड्स, कुछ जो भाई हैं जो मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि सर अभी तक हमारी ऑपरेटर आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है और क्या ऑपरेटर आईडी लेने के लिए पैसे लगते हैं, क्या ऑपरेटर आईडी एक्टिवेट करवाने के लिए पैसे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटर आईडी लेने के लिए न तो पैसे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटर आईडी एक्टिवेट होने में कितना समय लगता है, क्योंकि अभी तक जिनकी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है और उन्होंने आईडी के लिए अप्लाई कर रखा है, केवाईसी भी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले आपकी ऑपरेटर आईडी का जो बैंक अकाउंट और जो आपका नाम है वह वैलिड होगा। पहले उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी कि आपका जो अकाउंट है वो ठीक है या नहीं। वह वेरीफाई होने के बाद लगभग एक दो हफ्ते के अंदर ही आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, अब देखा जा रहा है कि फैमिली आईडी एक्टिवेट होने में लगभग एक महीने का भी समय लग जाता है नाम और बैंक अकाउंट वैलिड होने के बाद। तो आप लगभग एक महीने तक तो ज़रूर वेट करें आईडी एक्टिवेट होने का, क्योंकि फ्रेंड्स, जब पहले आईडियाँ स्टार्ट की गई थी, जब परिवार पहचान पत्र की साइट आई थी और यह ऑपरेटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे, उस समय आईडी लगभग एक हफ्ते में वैलिड हो जाती थी। वैलिड होने के बाद आपके पास कॉल आ जाती थी डीसी ऑफिस से और वहाँ पर आपको बुला कर आपको आईडी एक्टिवेट आपकी कर दी जाती थी। पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती थी और फिर आपकी आईडी एक्टिवेट कर दी जाती थी। इसके बाद फ्रेंड्स, आईडी एक्टिवेट होने के बाद आप फैमिली आईडी बना सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स, अब कुछ चेंजमेंट हो गई है, अब आपकी आईडी कई बार कॉल आ भी जाती है और फ्रेंड्स, अब आपकी आईडी वैसे ही एक्टिवेट हो जाती है। तो आप लगभग दो एक महीने तो कम से कम वेट करें, क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार अब भी आईडी एक हफ्ते में ही एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन अगर आपकी आईडी एक्टिवेट होने में समय लगता है तो लगभग आपकी आईडी एक महीने के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स, अब ज़्यादा समय लगने लगा है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा और आपकी पूरी सहायता करूंगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय हरियाणा।